आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से आईजी आगरा मैनपुरी पहुंचे, जहां आईजी आगरा दीपक कुमार ने विभिन्न थानों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय का निरीक्षण किया। बताने चले कि निरीक्षण के दौरान कमियां मिलने पर एसपी मैनपुरी को निर्देशित करते हुए उन्होंने कहा कि कार्यालय और थानों पर हो रही कमियों को जल्द से जल्द पूर्ण कराएं, ताकि आम जनमानस में एक अच्छा संदेश पहुंच सके। इसी के साथ ही रिजर्व पुलिस लाइन में निरीक्षण के दौरान यहां उन्होंने नवीनीकृत मल्टी एजेंसी सेंटर का लोकार्पण भी किया। साथ ही साथ पुलिस लाइन प्रतिसार निरीक्षक को अच्छे कार्यक्रम को आयोजित करने पर बधाई भी दी गई। वहीं दीपक कुमार ने निरीक्षण के दौरान जनपद के सभी थानाध्यक्षों, क्षेत्राधिकारियों के अलावा सभी अधिकारियों कर्मचारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की, और इसी दौरान मीडिया से रूबरू हुए आईजी आगरा दीपक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराना है, जिसके लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से अच्छी व्यवस्था जनपद में की जाए, जिसके लिए मैनपुरी पुलिस अधीक्षक को निर्देशित कर दिया गया है कि किसी भी स्थिति में चुनाव को बिगड़ने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैनपुरी आज मैं वार्षिक निरीक्षण के अनुक्रम में आज मैनपुरी आया था, और आज मेरे द्वारा जो हमारा पुलिस दफ्तर है, पुलिस लाइन, उसकी समीक्षा की गई, सभी जो इनके प्रकोष्ठ थे उसकी। इसके अतिरिक्त जितने हमारे राजपत्रित और अराजपत्रित SHO थे, उनके साथ हमारी एक मीटिंग हुई, जिसमें कि भारत निर्वाचन आयोग के जो निर्देश हैं, उस निर्देश के अनुक्रम में विस्तार से प्रिवेंटिव की जो कार्रवाई की गई है, उसके बारे में उनसे चर्चा हुई। साथ ही साथ जो हमारे पेंशनर्स थे, उनके साथ भी मीटिंग की गई, और उनसे भी हम लोगों ने अनुरोध किया है कि गांव में कोई भी बात हो या शहर में, तो पुलिस को उसमें वो हेल्प करे। इसके अतिरिक्त तो हमारे यहाँ इंस्पेक्शन हम लोग सैनिक सम्मेलन करते हैं, जिसमें कि हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, प्रत्येक थाने के 5-5 पुलिसकर्मी के साथ हम लोगों ने बात की, ताकि उनका जो मोरल है, उनका मनोबल, उनकी स्थिति को हम समझ पाएँ और एक दूसरे की उनकी समस्याओं को समझें। इसके अतिरिक्त अभी मेरा प्रोग्राम आज और कल, जो आज शाम का है और इसके अलावा कल का है, जिसमें कि 2 थानों का भी मेरे द्वारा निरीक्षण अभी किया जाना बाकी है। SP मैनपुरी के नेतृत्व में जो विगत वर्ष में यहाँ काफ़ी अच्छे कार्य हुए, और अपराध की स्थिति पर पूरी तरह से यहाँ नियंत्रण रहा, कानून व्यवस्था के संबंध में कभी किसी तरह की कोई ऐसी बात नहीं हुई। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मैनपुरी चुनाव को लेकर एक संवेदनशील जनपद है, इस मद्देनज़र हम लोगों की पूरी नज़र है। अभी हम लोग कुछ देहात के इलाके में भी जाएंगे SP मैनपुरी के साथ, और लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हम लोग जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जो भारत निर्वाचन आयोग के मानक है, स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव का, उस मानक पर मैनपुरी की पुलिस पूरी तरह से खड़ी।